नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है? तो चलिए पूरे वीक की न्यूज़पेपर को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। जी हाँ, डेवलपमेंट इस तरह से हो ताकि फ्यूचर जनरेशन में हमारे रिसोर्सेज कम ना हो जाए, उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया है नीति आयोग के द्वारा, और इस डेवलपमेंट का रिपोर्ट बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें हाईएस्ट रैंक होल्डर है उत्तराखंड और केरला। जी हाँ, दोनों ही स्टेट को मिला है 79 स्कोर और ये बनते हैं टॉप स्कोरर स्टेट। वही अगर हम बॉटम की बात करें तो इसमें नाम आता है बिहार का। बिहार स्टेट को केवल 57 स्कोर आया है। ये स्कोर टोटल 100 मार्क्स में काउंट किया जाता है। वही अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की, तो पूरे इंडिया को मिला है 71 स्कोर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंतर्गत डेवलपमेंट मेजर किया जाता है उस कंट्री के इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखकर। इसी संदर्भ में नीति आयोग ने 2018 से सस्टेनेबल गोल इंडिया इंडेक्स स्टार्ट किया, जिसमें हर एक स्टेट को मेजर किया जाता है उनके डेवलपमेंट पैरामीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो केपी शर्मा ओली बन गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। जी हाँ, नेपाल जो कि इंडिया का एक पास का नेबर कंट्री है और वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती है, और केपी शर्मा ओली बन गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिन पार्टी से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए, अभी हाल में विंबलडन चैम्पियन हुआ। विंबलडन चैम्पियन अभी हाल में हुआ, जिसमें विंबलडन ओपन में जीते हैं कार्लोस अल्काराज। ये किस कंट्री से हैं बताएं? तो ये हैं स्पेन से। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविक, जो कि कहाँ के हैं, सर्बिया के, उनको हराया। नोवाक जोकोविक जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, उनको हराकर विंबलडन कप जीता गया है कार्लोस अल्काराज के द्वारा। ये इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है क्योंकि अभी हाल में इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है। विंबलडन कप 4 ग्रैंड स्लैम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है और ये जून जुलाई के महीने में होता है। इसमें अगर हम कोर्ट की बात करें तो ग्रास कोर्ट होता है विंबलडन कप में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए, जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है रवि अग्रवाल से। रवि अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरपर्सन, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट की, तो वर्ल्ड लेजेंड चैम्पियनशिप अभी हाल में लंदन में हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है 5 विकेट से। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है और ये इस पूरे टूर्नामेंट में जो कैप्टन रहे वो थे युवराज सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान कंपेन स्टार्ट किया गया है, जिसका 2nd एडिशन अभी हाल में प्रयागराज में होने वाला है। आप पूछोगे पहला एडिशन कब हुआ? तो देखिए, पहला एडिशन बीकानेर में हुआ था और 2nd एडिशन प्रयागराज में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एक सिटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्या आप जानते हैं उस सिटी को? वो सिटी है पलिटाना। पलिटाना क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये पहला नॉन वेज बैन सिटी बन गया है। जी हाँ, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये सिटी काफ़ी न्यूज़ में है। ये कहाँ है? तो पलिटाना सिटी जो है वो गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए, अभी इंदौर काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। क्यों आया है? क्योंकि वहाँ पे 11 लाख प्लांट किए गए हैं। 11 लाख प्लांट करके गिनीज रिकॉर्ड में नाम रखा है इंदौर ने। अगर हम बात करते हैं प्लांटेशन की, तो देखिए अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है एक पेड़ माँ के नाम स्कीम, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में 51 लाख ट्री प्लांट किए जाएंगे और केवल इंदौर में 11 लाख ट्री प्लांट हो चुका है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, पेरिस ओलंपिक 2024 होने वाला है, कब? 26 जुलाई से 15 अगस्त में। जी हाँ, ओलंपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है और इसके एक एक न्यूज को कवर किया जाएगा। अभी देख लेते हैं क्या है न्यूज में। तो देखिए फ्लैग बियरर किसे बनाया गया है, तो वो है पीवी सिंधु और शरद कमल। और वही पूरे ओलंपिक को लीड कौन करेगा, तो हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा इसे लीड करने वाले हैं। अभी हाल में तंती तत्वा ट्राइब, जो कि बिहार का एक कास्ट है, वो न्यूज में है, क्योंकि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट दी है। क्या जजमेंट है, थोड़ा जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि तंती तत्वा ट्राइब, जो कि शेड्यूल कास्ट में आता है, उसे बिहार सरकार एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में डालने की कोशिश कर रही है, जिसके अंगेंस्ट कार्रवाई चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि किसी शेड्यूल कास्ट को वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में डाल सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आता है सामने में, और आता है आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 कहता है कि किसी भी कास्ट को किसी और कैटेगरी में डालने के लिए पार्लियामेंट का परमिशन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट परमिशन नहीं लिया गया है और ये स्टेट लेवल पे काम किया गया था, इसीलिए ये डांट लगी। अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी सामने आया एनजीटी के द्वारा। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। एनजीटी ने कवर्तल वेटलैंड पे कमेटी बनाई है। कवर्तल वेटलैंड बेगूसराय बिहार में है, और वहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा जानते हैं। तो देखिए कवर्तल वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है, और इसी संदर्भ में एनजीटी ने 4 मेंबर कमेटी बनाई है, ये चेक करने के लिए कि वहाँ का वेटलैंड कैसा है और क्या उसमें और भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जानते हैं कवर्तल लेक के बारे में। तो देखिए कवर्तल लेक जो है वो एशिया का बिगेस्ट ऑक्सबो लेक है, और कवर्तल लेक को पहली बार बिहार गवर्नमेंट ने बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया था 1989 में, और बाद में 2020 में इसे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। तो ध्यान रखें कवर्तल लेक कहाँ है, तो वो बेगूसराय बिहार में है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो IMF ने इंडिया के ग्रोथ टारगेट को चेंज किया है, पहले 6.8 था, इसे बढ़ाकर 7% कर दिया है। नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस की गई है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। क्या है ये हेल्पलाइन और किस लिए ये काम करेगा, थोड़ा जानते हैं। तो देखिए ये जो हेल्पलाइन है, ये स्टार्ट की गई है नारकोटिक ड्रग को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ के यूथ जनरेशन को ड्रग से बचाने के लिए। यहाँ पे एक हेल्पलाइन दिया गया है जिसका नंबर है 1933। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया में फर्स्ट प्री क्लिनिकल फैसिलिटी स्टार्ट की जा रही है, और ये फैसिलिटी कहाँ स्टार्ट की जा रही है, तो फरीदाबाद हरियाणा में स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो इस तरह से जुड़े रहें इस चैनल से। थैंक यू।